वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का क्वेश्चन जो आपसे एसएससी सीपीए के 2017 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके काफ़ी मैसेजेस आए हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन, आपका एसएससी का एग्जाम आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी वीडियो हमने अभी तक जीएस की अपलोड की हैं, तो जहाँ तक मैंने अभी तक एनालाइज किया है एसएससी सीपीए के एग्ज़ाम में, हर एक वीडियो में से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक वीडियो में से पूछे गए हैं। बायोलॉजी की वीडियो में से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एग्ज़ाम में तो 2 क्वेश्चन उसी वीडियो में से पूछे गए थे। तो हर एक वीडियो जो डाल रहा हूँ उसमें से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन नेम ऑफ क्विक क्लाइम? क्विक क्लाइम का कॉमन नेम उसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Ca, कैल्शियम ओ ऑक्साइड। द डिफरेंस ऑफ 30 मिनट विल क्रिएट अ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी डिग्री? देखिए, आपको पता है अर्थ को 360 डिग्री की इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन में डिवाइड किया गया है। आपको पता है 360 डिग्री एक चक्कर कितने में काटती है? 24 घंटे में। तो एक घंटे में कितना डिग्री मूव किया? 15 डिग्री। और उसी तरह एक मिनट में, या फिर मैं कहूं एक डिग्री कितने मिनट में कवर होती है? 4 मिनट में। ठीक है, अब आपसे कितने मिनट का डिफरेंस पूछा गया है, 30 मिनट पे कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आएगा? सो 4 को किससे गुणा करूं कि 30 आ जाए आपका? इसको मैं करूंगा 7.5 से। तो इधर मैं 7.5 से कर रहा हूं, इधर भी 7.5 से करना पड़ेगा। सो 30 मिनट में कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आएगा? 7.5 डिग्री का। और यदि एक घंटे का पूछता तो कितना आता? 15 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। न्यूरॉन आर रिलेटेड टू, न्यूरॉन किससे रिलेट है? न्यूरॉन आपको पता है नर्वस सिस्टम से। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल सेल, भाई सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? जो बनी हुई होती है सेल्यूलोज और चिटिन, CHITIN, चिटिन। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल व्हाट रिमेन कॉन्स्टेंट? यानी कि आप पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो क्या चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी? वो रहेगी आपके जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वो चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी। अब चेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है चेंजेस को लेकर कि क्या चीज़ चेंज होती है? ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो वो इंक्रीज करेगी। मेटेलिक कैरेक्टर पूछ लेता है आपसे कि कब डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा। तो यदि आप लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करोगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा, और यदि आप डाउनवर्ड जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें, यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर, और डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगी? डिक्रीज। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नोन एज, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और जिसका फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन? देखिए, जो मेरी बायोलॉजी की वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, फैक्ट भी दिए थे बकायदा मैंने कि आप इनको पढ़ लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि बोन टू बोन को कौन सा जो है टिश्यू कनेक्ट करता है। तो आप, मैंने बताया था आपको कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से, और बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, बोन को मसल से, तो वो होते हैं आपके टेंडोन। मैंने आपको ये भी बताया था, TENDONS, टेंडोन्स, कनेक्ट मसल टू बोन। टार्टरिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अब भाई मेरे को इसका ऑप्शन तो कहीं नहीं मिले,
तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसिड से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी में बिल्कुल होते हैं ना, रिपीट हो चुके क्वेश्चन हैं कि बार बार पूछे ही जाते हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। टार्टरिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है ग्रेप्स के अंदर। अब मेरे को ऑप्शन तो नहीं पता एग्जाम में क्या पूछ रखे थे। फिर आता है आपका सिट्रिक एसिड, कितनी बार पढ़ा होगा आपने सिट्रिक एसिड, आपको दे रखते हैं कि किसमें प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। वही एसिड बताऊंगा जो आपके बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं। एसिटिक एसिड, कितनी बार क्वेश्चन पढ़ा है आपने एसिटिक एसिड के ऊपर, किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर। मलेइक एसिड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर, मलेइक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, जो अनरिप्ड सेव होते हैं एप्पल, एप्पल के अंदर। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो सोडा ड्रिंक होते हैं हमारे उसके अंदर। और ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड भी काफी बार पूछा जा चुका है। ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टोमेटो के अंदर। और ऑक्जैलिक एसिड का एक और काम होता है क्या, कि जो रस्ट स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं रस्ट के, उसको मिटाने के लिए ऑक्जैलिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एसिड हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी के अंदर। यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, रेशो ऑफ टू डेंसिटी, ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी जब रेशो होता है आपका टू डेंसिटी का सब्सटेंस की, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, आपस में क्रॉस आउट हो जाएगा, तो रेशो है दो डेंसिटी का, तो आपस में जब क्रॉस आउट होगा तो यूनिट क्या बचेगी, यूनिट लेस होगी ये, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैंसिल आउट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, यूनिट लेस। हाउ डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, अमीबा जो फूड डाइजेस्ट करता है अपना, वो करता है इंटर सेलुलर डाइजेशन प्रक्रिया से। ये सारी की सारी जो वीडियो चल रही है इसका पीडीएफ आपको मिलेगा फेसबुक पेज पर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए, ताकि जो वीडियो की पीडीएफ है वो आपको मिलती रहे। तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी, चैनल के फेसबुक पेज पे, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्लिक करके विजिट कीजिए। हु हैज़ पुट फॉरवर्ड्स द लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन किसने दिए हैं भाई, ये तो सबको पता है, इसैक न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नियर, ये भी मैंने जो बायोलॉजी की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बेस ऑफ द ब्रेन पोजिशन पिट्यूटरी ग्लैंड की, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड को। हु डिस्कवर्ड वाटर, एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि वाटर किसने डिस्कवर किया, एक्चुअली में ये है कि जो कॉम्पोजिशन है वाटर की वो किसने डिस्कवर की, मतलब कि जो आपके टू कॉम्पोनेंट ऑफ हाइड्रोजन और टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स H2O, ये किसने डिस्कवर किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। व्हाट कॉज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिस थ्रू प्रिज्म, आपको पता है जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो वो सेवन डिफरेंट कलर में टूट जाती है, तो ऐसा क्या होता है, डिफरेंस इन वेवलेंथ के कारण। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपसे एसएससी के अंदर कितनी बार पूछा जा चुका है। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय, देखिए जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस सेल्स जो आपके स्टेम होता है, जो सेल्स होते हैं उनको कवर करते हैं, स्टेम के, रूट के, लीफ के, और उनको बचाते हैं बाहर की मैकेनिकल इंजरी से, वाटर लॉस से और इन्फेक्शन से। व्हाट इज अब्सेंट इन प्लांट सेल, तो इसका मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिले, क्वेश्चन था बस ऐसे लिखा हुआ था, व्हाट इज अब्सेंट इन प्लांट सेल, तो आप देख लेना एक बार, डिफरेंस एक बार पढ़ लेना आप, जो प्लांट सेल हैं एनिमल सेल हैं उनका डिफरेंस पढ़ लेना, वहाँ से आपका कुछ क्लियर हो जाएगा।
हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था सैमुअल मोरसे ने। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। HIPPOCRATES, हिप्पोक्रेट्स। ड्यूरिंग द हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू। हाइबरनेशन के दौरान फ्रॉग कहाँ से सांस लेते हैं? स्किन के द्वारा, त्वचा। यूरिन गेट्स स्टोर्ड इन, जो यूरिन होता है बॉडी के किस पार्ट में स्टोर होता है? वो होता है यूरिनरी ब्लैडर में। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट यहां पे डायग्राम देखिए आपको समझ आ जाएगा। न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो बाहर की आपका स्पेस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। सो इसका आंसर आएगा आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। व्हाट इज बेसल कन्वेंशन? बेसल कन्वेंशन ये क्या है? बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन एक यूनाइटेड नेशन की ट्रेटी है आपकी। जैसा आपने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, वैसे ही आपकी बेसल कन्वेंशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक ट्रेटी है। ये साइन हुई थी 22 मार्च 1989 को। और इसमें इसका उद्देश्य है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसी से रिलेट करते हैं, तो उसी तरह जो बेसल आपकी कन्वेंशन है वो रिलेट करती है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हाजर्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। मैक्सवेल इज अ यूनिट ऑफ, मैक्सवेल किसकी यूनिट है? मैक्सवेल यूनिट आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे कहा जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी बॉडी है वो अपने जो स्टेट है उसका, चाहे वो रेस्ट है चाहे मोशन में है, वो जब तक उसी स्टेट में रहेगी जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको जाके अनबैलेंस ना कर दे, उसको डिस्टर्ब ना कर दे। ठीक है, इन नॉर्थन हेमिस्फीयर समर सॉलिसिट्स अकर्स ऑन। तो समर सॉलिसिट्स जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ये है आपका समर सॉलिसिट, ये होता है 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इस दिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये दिन क्या होता है? बड़ा होता है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे जो सूर्य की किरणें हैं उनका प्रकाश कम पहुंचता है, इसलिए वहाँ पे जो दिन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में वो छोटा होता है। और यदि हम राइट में देखें यहाँ पर, तो ये आपका विंटर सोलिस्टिस, और विंटर सोलिस्टिस साउथर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, इस दिन यहाँ पर देखिए सूर्य की किरणें अब ज़्यादा बढ़ रही हैं और नॉर्थन हेमिस्फीयर में कम, तो इसका मतलब क्या है कि जो दिन होगा 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में वो बड़ा होगा बकायदा किसके? नॉर्थन हेमिस्फीयर से। ठीक है, और समर सोलिस्टिस के अंदर जो सूरज होगा वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होगा, और विंटर सोलिस्टिस की बात करें जो सूरज होगा वो ठीक आपका किसके ऊपर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फर्टिलाइजर बेसिकली कंजिस्ट ऑफ, फर्टिलाइजर के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो होता है पोटाशियम, दूसरा होता है आपका फॉस्फोरस, और तीसरा होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग काम है फर्टिलाइजर के अंदर। जो नाइट्रोजन होती है उसका क्या काम है? पत्तों की ग्रोथ के लिए। फॉस्फोरस डेवलपमेंट ऑफ रूट्स फ्लावर्स सीड्स एंड फ्रूट्स। और जो पोटाशियम है उसका क्या काम है? स्ट्रॉन्ग स्टेम ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग।
इसके अलावा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. म्यूरेटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, म्यूरेटिक एसिड बोल दीजिए आप इसे, एसिडम सैलिस आप इसे बोलिए, स्पिरिट्स ऑफ साल्ट्स आप इसे बोलिए, ये सारे किसके नाम हैं आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी बायोलॉजी से रिलेटेड कि हमारे पेट के अंदर थोड़ी मात्रा में कौन सा एसिड बनता है फूड को पचाने के लिए, तो कौन सा होता है वो, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका क्या काम होता है, जो विषाणु रोगाणु होते हैं भोजन में आ जाते हैं उनको ख़त्म करना. वट इज़ अनदर नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रॉयल, अनदर नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रॉयल होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, वो है फ्यूमर, जिसे हम थाई बोन भी बोलते हैं, और सबसे छोटी कौन सी है कान की, जिसे हम बोलते हैं स्टेप्स. सो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुका हूं मैं मेरे बायोलॉजी का जो लेक्चर है. हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये वन लाइनर क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं जर्नल साइंस के 1000 की कुछ सीरीज ऐसा करके, उसमें मैंने आपको सारे डिस्कस कर सकते हैं ये क्वेश्चन. हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसके प्रिंसिपल पे पास्कल लॉ. स्किन कलर इज ड्यू टू, स्किन का जो कलर होता है कहीं का ब्लैक होता है, कहीं का व्हाइट होता है, कहीं का येलो होता है, किसकी वजह से, जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेलेनिन, उसकी वजह से. विटामिन सी इज कॉमनली कॉल्ड, सो विटामिन सी का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा गया होगा, साइंटिफिक नेम विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड. तो इसी तरह आपके कुछ अदर विटामिन हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो केमिकल नेम है उनके आपको पता होने चाहिए, जैसे कि विटामिन ए का रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन सी की बात करें हमने पढ़ा है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी हो गया आपका कॉल्सिफिरॉल, ये तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कॉल्सिफिरॉल, विटामिन ए टोकोफिरॉल, ठीक है. तो ये सारे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ तो मैंने दे ही दी है, फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ से क्लिक करके पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए, और साथ के साथ फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपडेट जानने के लिए पाने के लिए. बिट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, बिट भाई शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है डाटा रिकॉर्ड करने की कंप्यूटर के अंदर. बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, जिसकी वैल्यू होती है इधर 0 और 1. एलिसा टेस्ट फुल फॉर्म, एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम के अंदर. एलिसा टेस्ट हम किस बीमारी के डायग्नोज के लिए करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है. एलिसा टेस्ट हम करते हैं जो HIV होती है उसको डायग्नोज करने के लिए, फुल फॉर्म होती है इसकी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. मिनेमाटा डिसीज इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, मैं कितनी बार इस क्वेश्चन को मेरे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, किससे होती है, मरकरी से. मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियोज़ ज़रूर देखिए जितनी भी मैंने डाली हैं GS की. टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फॉर विच डिसीज़, देखिए है तो ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन ये जुड़ा है आपका बायोलॉजी से, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया. टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है रिलेट करती है आपकी HIV से, एड्स से, ठीक है. विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट, देखिए मैंने आपको रिएक्शन भी एक बार पूरी की पूरी बताई थी, जो ब्लड जमता है बॉडी के अंदर, कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन तथा कैल्शियम की उपस्थिति में मिलकर क्या बनाता है, थ्रोम्बिन. फिर थ्रोम्बिन आपका फिब्रिनोजन से मिलकर क्या बनाएगा, फिब्रिन. फिब्रिन आपका जो ब्लड कॉर्पलस होंगे उनके साथ मिलकर क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करेगा. सो जो मेन एंजाइम होता है वो होता है FIBRINOGEN, ठीक है. ये मैं आपको मेरी पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ. विच गैस इज अमिटेड फॉर काउडंग, तो गोबर से जो है कौन सी गैस निकलती है,
ठीक है, कहीं मान लो लार्जेस्ट अमाउंट में गोबर पड़ा हो, कई दिनों से पड़ा हो, तो उसमें से कौन सी गैस धीरे धीरे एमिट होगी? मीथेन। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा गया है कि जो नेचुरल प्राकृतिक गैस होती है उसका मेन मुख्य घटक क्या होता है, वो भी उसका आंसर भी क्या है? मीथेन। इन आवर बॉडी ब्लड इज नॉट क्लॉट ड्यू टू विच प्रोटीन। सो जो हेपेरिन होता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80 mmHg। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो ये जो इन्वेंशन वाला मेरा वीडियो है, मैंने आपसे डिस्कस किया था, इन्वेंशंस की अलग से वीडियो बना रखी है मैंने पूरे की पूरी। दो क्वेश्चन उसमें से पूछे जा चुके हैं, एक तो यही इलेक्ट्रॉन वाला और एक है आपका आई थिंक सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी दोनों ही मैंने डिस्कस कर रखे हैं उस वीडियो में। जितने भी इन्वेंशन हैं सारे उस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, एक बार जरूर देखिए आप। इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर बाय, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे जे थॉम्सन ने। ये आप फोटो देख रहे हो, फोटो में है पर्सन जे जे थॉम्सन, इन्होंने आविष्कार किया था किसका? इलेक्ट्रॉन का। यदि आपसे आ जाए कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, प्रोटॉन का आविष्कार किया था रुदरफोर्ड ने। आविष्कार क्या किया था, खोज की थी, आप ऐसे बोलिए। ठीक है, और न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चाडविक ने। चाडविक न्यूट्रॉन, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं भाई? अरिस्टोटल को, ARISTOTLE। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज हेल्प द बॉडी इन ब्लड क्लॉट, कौन सा वाइटामिन होता है जो ब्लड क्लॉट में सहायता करता है? ये कितनी बार पढ़ चुके हैं हम क्वेश्चन, विटामिन के। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो जो हार्मोन होता है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है वो कौन सा है? इथाइलिन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जीएस की वीडियो में, इथाइलिन। हु अमंग द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, देखिए मेरे को इसके ऑप्शन तो नहीं मिले, सो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, आप एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा कि जो रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ठीक है, फिशीज हो गई, जो नाम यहाँ पर लिखे हैं सारे क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो मैक्सिमम मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर, एक तो लिजार्ड का ऑप्शन पक्का होगा 100%, ठीक है, या फिर कछुआ, टॉर्टोइसिस, टर्टल, पक्का इनमें से एक होगा। ग्रोथ हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड, सो ग्रोथ हॉर्मोन्स आपके सिक्रेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आप ल्यूसेंट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, तो जो बोन की ग्रोथ होती है, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड में और थायरॉइड ग्लैंड में भी, ठीक है, तो ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर। विटामिन सी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसके ऑप्शन तो थे नहीं कि विटामिन सी किस किस में होता है, तो टॉप 10 विटामिन सी फूड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो पक्का है अगर आपको ये पता होगा तो इसमें से एक ऑप्शन उसके अंदर जरूर होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 10 फूड हैं, जैसे कि रेड पेपर है, गुआवा है, ऑरेंज है, कीवी है, ब्रोकली है, ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये क्या है? सारे रिच सोर्सेज हैं किसके? विटामिन सी के। चिकोरी पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, सो चिकोरी पाउडर जो आपका ऑब्टेन होता है प्लांट के रूट से। व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी इन फूड, भाई जो फूड की एनर्जी होती है वो आपकी मापते हैं कैलोरी में, कितनी कैलोरी खाया, कितनी नहीं खाया, जो परेशान रहते हैं हमेशा हम इसको लेकर, कितनी खानी चाहिए, कितनी नहीं खानी चाहिए। नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, बालों के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? कैरेटिन। विच गैस इज कंटेन्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो
तो कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओ। व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। नेम द कूलेंट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली तो हम वाटर यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लिक्विड मेटल जैसे कि लिक्विड सोडियम और मोल्टन साल्ट का भी हम यूज करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार। स्टार जो होते हैं, तारे होते हैं, उनके अंदर एनर्जी का सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कौन सी होती है? कि जहां पर आपके दो एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? एक हीलियम एटम बनाएंगे। तो वहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और ये आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि सन के अंदर जो है उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, तो उसमें भी क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। लीड इन एयर पॉल्यूशन ड्यू टू। लीड किसकी वजह से होता है? तो जिस प्रोडक्ट के अंदर हम लीड यूज करेंगे, जैसे कि आपके पेंट्स हो गए, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री हो गई, और बैटरीज हो गई गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, तो जिसमें हम लीड का यूज़ करेंगे वो सारे क्या होंगे? कारण होंगे लीड का एयर पोल्यूशन के अंदर। सो जो ऑप्शन वहाँ पे दे रखा होगा एग्जाम के अंदर, वो था ऑटोमोबाइल बैटरी एग्जॉस्ट, जो कि एक राइट ऑप्शन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू लंग्स बाय। तो देखिए, मैंने आपको पूरा जो मेरा बायोलॉजी का लेक्चर था, पूरा डायग्राम मैंने आपको बताया था पूरे ब्लड सर्कुलेशन का, हार्ट का। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। उसका क्या काम होता है? ब्लड को लंग्स तक पहुँचाना ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन। देखिए, जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वो लीवर के द्वारा, और स्टोर होता है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर। कन्वर्जन ऑफ KBGV, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने आपको कन्वर्जन लिख ही दिया है कि आपका जो 1024 बाइट है मिलके 1 KB बनाएंगे, 1024 KB मिलके 1 MB बनाएंगे। देखिए, ये एक वाला फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेगा आपका, ये ठीक है, पीछे चेंज हो जाता है। बाइट आएगा तो 1 KB होगा, MB आ गया तो 1 GB होगा, GB आ गया तो फिर TB होगा, टेराबाइट होगा, पेटाबाइट होगा, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाई, इसकी मैं बात कर रहा था, ये भी क्वेश्चन वो जो आप हमारा इन्वेंशन एंड डिस्कवरी वाला वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। जोसेफ एस्पडिन, और बाकायदा फोटो भी मैंने आपको दिखा रखी है इसकी। विच गैस इज एमिटेड आउट ऑफ सुपरसोनिक जेट? सो जो गैस एमिट होती है वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कुछ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, NaHCO3। हु पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का कंसेप्ट किसने सामने रखा था? ऑफ कोर्स जॉर्ज जोनान मेंडल, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मैक्सिमम एक्सियल टिल्ट ऑफ प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस। तो अब ये तो नहीं पता कि ऑप्शन कौन कौन से थे, तो मैंने तो यहाँ पे आपको सारे जो प्लैनेट हैं, सन भी है, मून भी है, सभी की जो एक्सिस टिल्ट है यहाँ पे आपको लिख दी है। जो मैक्सिमम यहाँ पे देख लीजिए आप, यूरेनस की है 82.23, ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से यूरेनस होना चाहिए। अब वहाँ पे ऑप्शन पता नहीं क्या क्या दे रखे थे, तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए और इसको नोट कर लीजिए। हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं? अरिस्टोटल को। एनिमल सेल इज अ प्रीमेबल और सेमी प्रीमेबल? तो एनिमल सेल जो होता है आपका वो सेमी प्रीमेबल होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एबायोटिक? एबायोटिक कौन से होते हैं भाई? एबायोटिक वो कॉम्पोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट होते हैं, जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होंगे? जी, वाटर है, सनलाइट है, ऑक्सीजन है, सॉयल है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एबायोटिक कॉम्पोनेंट हैं।
सो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। यदि आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोरेक्शन की ज़रूरत है तो बिना झिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है छूट गए हैं, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल साइंस की छूट गए हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अपनी नॉलेज दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि वीडियो की अपडेट आपके तक पहुँचती रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।